की आज बैठक है बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई को विपक्षी की बड़ी बैठक है। बैठक के लिए आज तमाम जो नेता है वो रवाना होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बेंगलुरु रवाना होंगे। कांग्रेस ने सपा रालोद को बैठक के लिए नेता भेजा और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कांग्रेस कर रही है। अपना दल कमेरावादी पार्टी को भी नेता भेजा गया है। आज से दो दिन रणनीति तैयार करेंगी विपक्ष। 26 दल अपना कमेरावादी पार्टी और कृष्णा पटेल भी शामिल होंगी अखिलेश के साथ। सपा नेता रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। राजेंद्र चौधरी और अचल राजभर भी शामिल। विपक्षी एकजुटता को लेकर इसके पहले भी एक मीटिंग जो है वो बिहार में हो चुकी है, वहीं अब दूसरी जो मीटिंग है वो बेंगलुरु में होनी है, जिसके लिए सभी जो अन्य दलों के नेता है वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्वाति और लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपका रुख करेंगे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या रवाना हो चुके हैं बेंगलुरु, ये जो विपक्ष की बैठक है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ ही देर बाद यहां से रवाना होंगे और मेरे ठीक पीछे उनका आवास है और आवास में आप देखिए कि जो अलर्ट है वो जारी हो गया है। बताया जा रहा है कुछ ही देर बाद यहां से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। आप देखिए उनकी सुरक्षा की जो पंक्ति है वो खड़ी है और बस इंतजार है कि कुछ ही पल बाद वो यहां से निकलेंगे। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे, उनके साथ उनकी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और पिछड़ी नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में बसपा से आए राम अचल राजभर को भी वो साथ में लेकर के यहाँ से जाएंगे। साथ ही साथ जो अपना दल कमेरावादी है उसको भी कांग्रेस ने न्योता भेजा है, तो ऐसे में कृष्णा पटेल कमेरावादी दल की अगुवाई करेंगे। तो वहीं पश्चिम में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इस पूरी बड़ी बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि दो दिवसीय बड़ी बैठक है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 26 दल इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार की जो बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी और पटना में अगुवाई नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन इस बार की जो पहल है वो कांग्रेस कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों को न्योता भेजा है। जी बिल्कुल, हमारी सहयोगी स्वाति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। स्वाति, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से नेताओं को तोड़ के पार्टी में शामिल करवा रही है, दूसरी तरफ लगातार एक हाई लेवल मीटिंग बिहार में हुई थी, अब दूसरी जो हाई लेवल मीटिंग है वो बेंगलुरु में होने वाली और इस बार जो अध्यक्षता है वो कांग्रेस कर रहे। और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, दारा सिंह चौहान जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। स्वाति देखिए, जो आई तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य दलों से नेताओं को तोड़ करके बीजेपी में शामिल करवा रही है, दूसरी तरफ लगातार विपक्ष जो है हाई लेवल मीटिंग कर रहा है 24 की तैयारियों को लेकर के। पहली जो मीटिंग थी स्वाति वो दिल्ली में, माफ कीजिएगा, बिहार में थी, दूसरी बेंगलुरु में। क्या कुछ अपडेट है इस हाई लेवल मीटिंग्स को लेकर के, कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं? देखिए, पहली बैठक जो है वो पटना में हुई थी बिहार की, अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। आज रात्रि भोज होगा जिसमें तमाम विपक्षी दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो रात्रि भोज में शामिल होंगे। लेकिन अगर हम शरद पवार की बात करें तो वो रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे, वो बैठक में शामिल होंगे, चूंकि पिछला आज रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और कल बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम विपक्षी दलों के जो प्रमुख चेहरे हैं वो शामिल होंगे। और उद्देश्य एक ही है, 2014
2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर हराने का, और इसीलिए ये मंथन लगातार जारी है। आज महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है, क्योंकि जो पहले दिन बैठक हुई थी उसमें पहले एकजुटता की बात की, किस तरह से जो अलग अलग राज्यों में समस्या है उसको दूर करके एकजुट होने की जरूरत है, इसको लेकर मंथन किया गया था। अब दूसरी बैठक में बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता हैं जो बैठक में शामिल होंगे। जयंत चौधरी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं बेंगलुरु के लिए और आज रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। अब आज की बैठक में किस तरह से किन एजेंडाओं पर चर्चा होगी ये देखने वाली बात होगी। क्या एकजुटता की तस्वीर बैठक के बाद निकल कर सामने आएगी ये भी देखना होगा, क्योंकि ये समझना होगा कि जब पहली बैठक पटना में हुई थी तब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कई नेता निकल चुके थे, आम आदमी पार्टी निकल चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं था अध्यादेश को लेकर। अब अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी बैठक में पहुंच भी रही है, तो क्या एकजुटता की तस्वीर देखने को मिलेगी बैठक में, ये अपने आप में सवाल है कि बैठक के बाद कैसी तस्वीर निकल कर सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी नजर बनाए रखे स्वातिया, और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को